सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आगरा दौरे पर रहेंगे। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सीएए पर जन जागरण अभियान के तहत जनसभा में शामिल होंगे। आगरा के कोठी मीना बाजार ग्राउंड में ये जनसभा होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा की ये पहली बड़ी रैली है। रैली को जेपी नड्डा के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और कई वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में ये रैली आयोजित की जा रही है। दोपहर 1:30 बजे से जनसभा होगी। शिव चौहान हमारे संवाददाता इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। शिव चौहान, आपसे जानना चाहेंगे, 1:30 बजे दरअसल ये रैली है और जेपी नड्डा की यहीं से दरअसल इम्तिहान की घड़ी भी शुरू हो जाती है। पहली रैली वो संबोधित करेंगे, यूपी में क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल कुलदीप, कई दिनों से आगरा के कोठी मीना बाजार में इस जो जनसभा, विशाल जनसभा, इसको लेकर तैयारी थी जो पूरी कर ली गई है। आज 1:30 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे और उनके साथ सूबे की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राज्य मंत्री संदीप सिंह के साथ साथ तमाम स्थानीय नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। भाजपा नेताओं का मानना है कि जो सीए नागरिकता कानून संशोधन बिल को लेकर लोगों के मन में भ्रांतियां थी, उनको ये समझाएंगे सीए से किसी का नुकसान नहीं होगा और आज के बाद जो भ्रांतियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। ये तकरीबन 5 जिलों के 19 विधानसभाओं से यहाँ लाखों लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। 1:30 बजे सभी नेता आगरा की कोठी मीना बाजार में पहुंच जाएंगे, जो लाखों की जो भीड़ इकट्ठी होगी उनको संबोधित करेंगे। और अब तो बीजेपी को और उसका मोराल बूस्ट हुआ होगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत दी है, फिलहाल इस पर कोई रोक नहीं लगाई है। अब भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि बढ़ चढ़कर अगले जो 4 हफ्ते हैं उससे पहले रिपोर्ट जो सौंपनी है सुप्रीम कोर्ट को, उससे पहले बढ़ चढ़कर प्रचार किया जाए और सीए देश हित में है ये बात लोगों के जहन में डाली जाए। बिल्कुल, सीए को लेकर जो तमाम भ्रांतियां हैं और बीजेपी लोगों के घर घर जाकर ये समझा रही है कि इससे किसी का नुकसान नहीं है, कहीं ना कहीं भाजपा का ये एक अच्छा कदम होगा और लोगों को समझाने का, इसी को लेकर ये पूरे देश में ये रैलियां की जा रही हैं, उसी को लेकर आगरा में भी जनसभा को संबोधित करने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। सीए को लेकर जो तमाम आगरा मंडल में, फिरोजाबाद, आसपास के जिलों में जो हिंसक प्रदर्शन हुए थे वहां से लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लाखों लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है और बीजेपी के नेताओं का मानना है कि आज के बाद ये जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे या लोगों के मन में ये गलत सीए को लेकर धारणा थी वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी और 1:30 बजे आगरा में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। बहुत शुक्रिया शिव चौहान इस पूरी जानकारी के लिए आपका।